जैन बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों आज आपके लेके ले आए हैं एमीन चैप्टर का अगला वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एमीन्स वेन समन हैज मिक्सर ऑफ सॉल्ट प्राइमरी सेकेंडरी ट्रेशरी एंड क्वार्टनरी एमीन देन फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट देम अगर आपके पास किसी मिक्सचर में प्राइमरी सेकेंडरी ट्रेशरी और क्वार्टनरी चारो एमीन है या इनमें से कोई तीन एमीन है तो उनको सेपरेट करने के लिए फॉलोइंग मेथड्स यूज किए जाते हैं फर्स्ट बाई डिस्टिलेशन विद के एच मंथ द गिवन मिक्सचर ऑफ एमीन्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी डिस्टिल्स ओवर नॉट क्वार्टनरी एमीन बिकॉज़ इट डजंट रिएक्ट विद केओएच बच्चों आपके पास जो गिवन एमीन्स का मिक्सचर होगा उन चारों एमीन में से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन को ही आप केओएच के साथ डिस्टिल कर सकते हैं क्वार्टरनरी एमीन डिस्टिल नहीं हो पाता है क्योंकि वो केओएच के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास प्राइमरी एमिन सोल्ट सेकेंडरी एमिन सोल्ट ट्रेशरी एमिन सोल्ट और क्वार्टनरी एमिन सोल्ट चारों एमिन सोल्ट का मिक्सचर दिया हुआ है चारों को हम लोग क्यूएच के साथ रिएक्ट करा रहे हैं बच्चों हीट करा रहे हैं तो यहां पे देखने वाली बात यह है कि आपका क्वार्टनरी एमीन क्यूएच के, के साथ रिएक्शन नहीं करता है इसलिए कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है लेकिन प्राइमरी एमीन सोल्ट सेकेंडरी एमीन सोल्ट और ट्रेशरी एमीन सोल्ट क्यूएच के, के साथ गर्म करने पर इजिली डिस्टिल आउट हो जाते हैं क्योंकि वो क्यूएच के, के साथ रिएक्शन करते हैं तो इन रिएक्शन से क्लियर हुआ कि अगर आपके पास चारो एमीन का मिक्सचर है तो उसमें से तीन एमीन आप क्यूएच के साथ रिएक्ट करा के सेपरेट कर सकते हैं सेकेंड बाय हिंसबर्ग मेथड गिवन मिक्सचर इज ट्रीटेड विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड डेट इज हिंसबर्ग रिएजेंट गिवन एमीन के मिक्सचर को हिंसबर्ग मेथड में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ हीट किया जाता है जिससे यहाँ पर एमीन्स को सेपरेट किया जाता है बच्चों बेनजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहा जाता है आप देख रहे हैं यहाँ पे बेंजिन के ऊपर एस ओ टू सी एल टू ग्रुप लगा हुआ है डेट इज सिंपली नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट बहुत ही मशहूर मेथड है बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन बनते हैं तो आइए देखते हैं कैसे आप देख सकते हैं प्राइमरी एमिन का रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट से कराया बच्चों यहां से एक एच जो है वो सीएल के साथ कंबाइन होके एच सी एल बना के बाहर निकल जाता है और ये दोनों फ्रेगमेंट आपस में कंबाइन हो जाएंगे देख रहे हैं आप यहां पे और ये कहलाता है एन एल्काइल बेन्जीन सल्फोनामाइड इन सोलेबल सॉल्ट बनता है बच्चों प्राइमरी एमीन से हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्शन करने के बाद इस इन सोलेबल सोल्ट को हम लोग एनयूएच सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये वहां पर सोडियम सोल्ट बनाकर सोलेबल हो जाता है ये आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी एमीन जो है वो हिंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है बच्चों यहां पर ये एस सी एल साइड प्रोडक्ट बन के बाहर निकल जाएगा माइनस एच सी एल फॉर्म में और ये दोनों फेगमेंट कंबाइन हो जाएंगे बॉन्ड बनाएंगे तो कंपाउंड बनेगा हमारा एनएन एन, डाई एल्काइल बेन्जिन सल्फोनामाइड इनसोलेबल सॉल्ट होता है बच्चों और जब इसको एनयूएच के साथ ट्रीट करते हैं तो ये रिएक्शन नहीं करता है बॉटम में नीचे बैठ जाता है क्या आपको क्लियर है ये हमारे ट्रेशरी और क्वार्टनरी एमीन है जो हमने हिंसबल रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराए हैं ये दोनों रिएक्शन नहीं करते हैं अब आप सोचिए रिएजेंट आपने लिया और एक एमीन के मिक्सचर के में उसको डाल दिया तो अब आप यहाँ पे देखिए चार एमिन में से दो एमीन ही रिएक्शन कर रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी जबकि ट्रेसरी और क्वार्टनरी रिएक्शन नहीं करते हैं तो इस तरह हम लोग हिंस रिएजेंट यूज करके एमिन के मिक्सचर में एमिन को सेपरेट कर लेते हैं आप ऊपर देखा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी में प्राइमरी एमीन को हम लोग एनयच में डालते हैं तो वो सोलेबल हो जाता है जबकि सेकेंडरी एमीन बोटम में सोल्ट बनाकर नीचे बैठ जाता है इस तरह हम लोग एमीन के मिक्सचर को इजीली हिंस रिएजेंट यूज करके सेपरेट कर सकते हैं अब लेते हैं बच्चों थर्ड बाय होपमैन मेथड यहाँ पे गिवन मिक्सचर को डाई इथाइल ऑक्सलेट के साथ रिएक्ट कराया जाता है इथाइल ऑक्सलेट जब प्राइमरी एमिन से रिएक्शन करता है इथाइल ऑक्सलेट का एक मोल जो होता है वो प्राइमरी एमीन के दो मोल के साथ रिएक्शन करता है कुछ इस तरीके से यहां से ओ सी एच और एमीन का एच क्लियर हुआ बच्चों ये बन गया आपका C2H5OH तो यहाँ पर दो मोल C2H5OH के साइड प्रोडक्ट बनते हैं जो बाहर निकल जाते हैं अब इन दोनों फ्रेगमेंट को यहाँ पर कंबाइन कर दीजिए ये आपका बन गया है ऑक्सलेट एमाइड इसी तरीके से बच्चों डाइथाइल ऑक्सलेट का सेकेंडरी एमीन के एक मोल के साथ रिएक्ट करता है जिससे इथेनोल साइड प्रोडक्ट बनकर बाहर निकल जाता है और उससे हमको इथाइल ऑक्सलेट एमाइड मिल जाता है बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं डाई हमने दो रिएक्शन एक साथ दिखा दिया ट्रेशरी एमीन और क्वार्टनरी तो यहाँ पर ये दोनों एमिन रिएक्शन नहीं कर पाते हैं तो बच्चों आपने देखा कि जब हम लोग होपमैन मेथड में डाई थाइल ऑक्जिलेट यूज करते हैं तो चार एमीन में से प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन ही रिएक्शन कर पाती हैं जबकि ट्रशरी और क्वार्टरी एमीन नहीं तो बच्चों आज हमने गिवन एमीन मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए तीन मेथड डिस्कस किए उन तीन मेथड में से हम लोगों ने पहला क्यूएच के साथ ट्रीटमेंट देखा दूसरा हमने देखा बच्चों रिएजेंट से और तीसरा देखा हमने होपमैन मेथड से एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन इजिली बनता ही बनता है तो होपफुली आपको आज क्लियर हुआ होगा